हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एनसीईआरटी एग्जांपल। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल 6। आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास में रखें ताकि आपको पढ़ने में इसकी हेल्प ले सको, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास शोन इन फिगर 13.3। एक जूस वाला है जो अपने कस्टमर को जूस देता है इसके जैसे ग्लास के अंदर, ठीक है। सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसका डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। इसके नीचे एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये इसकी कैपेसिटी को कम कर देता है। इसका करने का मतलब ये है कि इसमें जूस क्या आएगा, कम आएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, मैंने डॉट डॉट करके दिखा रखा है, मान लो यहाँ जूस है। अब जितने हिस्से में हेमिस्फीयर बना हुआ है उतने हिस्से में जूस नहीं आएगा, जूस कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर आगे बोला ये गया है, इफ़ द हाइट ऑफ अ ग्लास 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अगर मान लो इसमें ये नहीं होता, नीचे वाला कीबोर्ड का सॉरी हेमिस्फेरिकल पोर्शन नहीं होता, तब इसकी कैपेसिटी क्या होती, और अब लगा हुआ है तो अब एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, अगर पाई की वैल्यू 3.14 हो तो, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड, जो हमारा जूस का ग्लास है, जूस ग्लास, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है सिलेंडर, ठीक है, और दूसरा है हेमिस्फीयर, ठीक। अब सिलेंडर के अंदर इसकी जो हमें दे रखा था डायमीटर दे रखा था 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, डिवाइड बाय 2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस उतनी ही होगी, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है और ये उसी के अंदर बना हुआ, तो दोनों की रेडियस तो क्या होगी, सेम। फिर बात करते हैं हाइट की, हाइट को डिनोट करता हूँ मैं एस से, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये जो हेमिस्फीयर है ये इसके अंदर नहीं होता, यानी जो ये ग्लास है वो नॉर्मली इस तरीके से होता, जैसे कि ये, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी होती 2.5 और हाइट कितनी होती 10 सेंटीमीटर, तब इसमें जूस कितना भरा जा सकता था, ठीक है। मैं लिखता हूँ अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है। अगर ये इसमें नहीं होता तब इसकी कैपेसिटी क्या होती, तब इसकी कैपेसिटी होती वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पूरा का पूरा क्या बन चुका ये सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि फिगर किसकी, सिलेंडर की। फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू में दे रखे 3.14, आर कितना निकाला 2.5, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार, और एच कितना दे रखा 10, ठीक है फ्रेंड। इन सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये तो तब की बात थी जब इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट नहीं होता। अगर अब लेकिन इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो इसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी होगी पहले के मुकाबले में कम होगी। अगर ये ऐसा नहीं होता तो एक्चुअल में जूस इतना आना चाहिए था, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ईमानदारी से अगर वो जूस देता तो इतना आना चाहिए था, लेकिन उसने नीचे क्या कर रखा है कि हेमिस्फेरिकल तरीके के ग्लास लगा रखे हैं जिसकी वजह से जूस कम आता है। तो अब उसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, और वो कितनी कम होगी वो भी देखा तो मैं आपको देखूँ, हम निकालेंगे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है। है तो ये वैसे सिलेंडर ही, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा, लेकिन नीचे हेमिस्फीयर आ गया जहाँ पर जूस नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम वैसे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर स्क्वायर तो हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है 196.25, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दे रखा है 2.5, इसको 3 बार लिख देंगे, 1 बार,
दो बार और तीन बार, ठीक है फ्रेंड। इसको मैंने कितनी बार लिख दिया, तीन बार, 196.25। अगर कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, अगर नहीं हो रहा तो सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर देंगे तीन का, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 98.125 डिवाइड बाय 3, 196.25, ठीक है। इसमें डिवाइड दे देंगे हम 3 का, तो ये आ जाएगा 32.70833, चलता जाएगा। लेकिन हमें डेसिमल के बाद में नॉर्मली दो डिजिट को मानते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है 83, 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा, तो इसे 1 मानकर आगे वाले में ऐड कर देंगे, यानी 32.70 है तो यहाँ पे कर देंगे हम 71, ठीक है। ये अप्रॉक्स हुआ। अब 196.25 में 32.71 को हम माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वैसे यूज़ करता तो 196 आता, लेकिन उसने बेईमानी करके यानी हेमिस्फेरिकल वाले ग्लास यूज़ करके 163.54 सेंटीमीटर क्यूब ही जूस दिया, एक्चुअल में इतना ही जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।